एक वचन पढ़ेंगे सबसे पहले मत्ती, ताकि आपको समझ आए यीशु ने क्या कहा। मत्ती 9 की 35 से पढ़ेंगे, 35 से। नोट करो आज के जितने भी वचन हैं, क्योंकि आज ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप तैयारी से आए हो तो आप फिर सेम नहीं जाओगे। हाँ, अगर तैयारी से आए हो तो फिर सेम नहीं जाओगे। सुनो यहां पे क्या लिखा है, जहां 9:35 में लिखा, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनाओं में उपदेश करता और राज्य का शुभ समाचार का प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। क्या थे? सबसे पहले यीशु लिखा नगरों और गांव में फिरता और आराधनाओं में उपदेश करता और राज्य का शुभ समाचार का प्रचार। शुभ समाचार मतलब खुशखबरी। क्या देने लगा? खुशखबरी। लिखा हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया? प्रीच किया, लोगों को सिखाया, समझाया कैसे आप चंगे होंगे। और जब लोगों को यह बात समझ आई और उन्होंने समझ कर विश्वास किया और लिखा यीशु ने उन्हें चंगा किया। क्या किया? आज बहुत से लोग क्यों चंगाई नहीं पा रहे, क्यों छुटकारा नहीं पा रहे, क्यों वो आशीष नहीं हो रहे? क्योंकि उन्हें परमेश्वर की बात समझ नहीं आ रही। क्या की? समझ नहीं आई। इसलिए भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास आई और भीड़ों को देखकर लिखा यीशु मसीह ने उसके उसका मन व्याकुल हुआ। व्याकुल मतलब समझते हो? व्याकुल शब्द समझते हो? उदास हो गया। क्या हो गया उसका मन? क्या हो गया? उदास हो गया, उदास। आज किसी ने भी उठना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना। ध्यान से सुनो, आज ध्यान से। मेरा विश्वास है कि आज जो ऑनलाइन है, जो जहां पे, वो कभी भी आज से बात कंप्लेंट नहीं करेंगे परमेश्वर से। क्या नहीं करेंगे? कंप्लेंट नहीं करेंगे, कंप्लेन। जो आज ही समझ जाएंगे और आज ही समझ कर वो वाला विश्वास, वो वाला मन लेकर आएंगे, उन्हें तो आज ही परमेश्वर फ्री करेगा। हाँ, तो उसका मन व्याकुल हुआ। व्याकुल मतलब उत्थास हुआ। लोगों को उसने कहा ये सब लोग एक भेड़ों के समान, भटकी हुई भेड़ों के समान जिनका कोई एयाली, इनका मालिक नहीं, इनको अपने मालिक का पता नहीं। जैसे आज भी लोग यीशु मसीह के पास तो आते हैं, वो सच्चे खुदा के पास आते हैं, पर उन्हें अपने मालिक की पहचान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा गधा अपनी स्वामी की चरनी को, चरनी मतलब समझते, जैसे खुरली जैसे बोलते हो पंजाबी में, गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता है पर तुम अपने मालिक को नहीं जानते। आमेन, हालेलुया। गधा भी अपने स्वामी की चरनी को जानता, वो भी पहचानता है कि मेरे मालिक का घर कौन सा है। जब वो घर से चला जाता है, जब गधा अपने घर से चला जाता है तो फिर उसी घर में, हाँ, उसी चरनी मतलब उसी खुरली में वो आता है वापस, क्योंकि वो अपने मालिक की चरनी उस कुरली को जानता है। पर यीशु ने कहा तुम उसे नहीं जानते, इसलिए तुम एक व्याकुल भेड़ों की समान भटके हुए, भटके तो क्योंकि तुम्हें अपने मालिक अपने उसका पता नहीं। क्या नहीं है? क्या नहीं है? उसका पता नहीं कि वो कौन है, कितना सर्वशक्तिमान है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने मैं किसी को ये संदेश बता रहा था कि परमेश्वर कौन है। कभी आपने कभी ऐसे मन में सोचा है कि जिस खुदा पे मैं विश्वास करती हूं वो कौन है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि जिस पर मैं विश्वास करती हूं, करता हूं, वो कौन है।
जिसने एक शब्द से इतने बड़े आकाश को बना दिया। हाँ, शुरू में उत्पत्ति में आप पढ़ते हो, हाँ लिखा ना, परमेश्वर ने आदि में इस आकाश और पृथ्वी की क्या की, रचना की, क्या की थी, रचना की। और ऐसे एक शब्द से परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा। कैसे कहा परमेश्वर ने, आकाश बन जा, ऐसे बोला और लिखा आकाश बन गया। हाँ, मैं नहीं जानता हूं ये किस चीज का बना है, साइंस विज्ञान कहती है जैसे ये धरती है ऐसे ही ये आकाश भी एक धरती के जैसा है। हाँ, पर इसको परमेश्वर ने एक शब्द से बना दिया। हाँ, जिस धरती पर हम आज हैं, बाइबल में लिखा है ये पूरा पानी था और इसको भी परमेश्वर ने ऐसे कहा, सब सारे पानी को कहा एक जगह इकट्ठा हो जाए। हाँ, और सूखी भूमि को उसने धरती कहा। हाँ, अब देखो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आप पास आए हो। हाँ, क्या आयो, जिसने अपने वचन में कहा हे मनुष्य मैंने अपनी बड़ी सामर्थ से इस आकाश और धरती को बनाया। क्या बनाया, मैंने अपनी बड़ी सामर्थ मतलब शक्ति से, सुनो ध्यान से सुनो, मैंने इस आकाश और धरती को बनाया और हे मनुष्य तेरा काम मेरे लिए कोई भी बड़ा, क्या है, तेरा काम मेरे लिए कोई बड़ा नहीं है। आमीन। क्या किसी का काम उसके लिए बड़ा है, पर मैं एक चीज बताता हूं, आज की कलीसियां आज के लोगों का भरोसा परमेश्वर पर नहीं उसके वचन पर नहीं मनुष्यों पर चला गया। किस पर चला गया, सेवकों पर चला गया, पास्टरों पर चला गया, उसका भरोसा उस पर उसके वचन पर नहीं। हुँ? वो भूल के इसलिए ये सब आज गड़बड़ हो रही है। इसीलिए सुलेमान ने क्यों कहा अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखो, संपूर्ण मतलब उसमें 99 भी नहीं है। हाँ, 99 भी है, लोग विश्वास करते हैं 50-50 वाला, और 50-50 से काम बनेगा नहीं, चंगाई मिलेगी नहीं, छुटकारा मिलेगा नहीं। पर कैसे मिलेगा, जब आप उसकी बातों को समझोगे। क्या समझोगे, सबसे पहले आपके मन में यह बात होनी चाहिए कि जिस पर मैं विश्वास करती वो कौन है। यह बात आपके मन में ऐसे होनी चाहिए कि वो कौन है, अगर नहीं है तो फिर वही चीज जो यीशु मसीह ने कहा, इनका एयाली ये भटकी हुई भेड़ों के समान है, इन्हें अपने एयाली अपने मालिक की पहचानी, गधा अपनी चरनी अपने स्वामी की चरनी को जानता है पर ये अपने परमेश्वर को अपने खुदा को नहीं जानती। ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते, ये नहीं जानते। अभी थोड़े दिन पहले मुझे कोई बता रहा था, वो आए तो वो कह रहे थे कि आप है ना उसे बड़ी क्षति, कुछ लोग जैसे हर एक मिनिस्ट्री में जैसे यहां पे भी लोग आते हैं अपनी चंगाई के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने काम नहीं कर रहा। आप हर संडे वीरवार बड़ी गवाहियों को सुन रहे हो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, सुन रहे हो, बड़ी गवाहियों को सुन रहे हो कि परमेश्वर कैसे लोगों को डिलीवर कर रहा, फ्री कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे दूसरे लोग बताते हैं तो विश्वास से आते हैं, पर जो लोग विश्वास से आते हैं मैं सबसे पहले उन्हें परमेश्वर की पहचान बताता हूं। क्या बताता हूं, उनका भरोसा उनको उनके विश्वास के बारे बताता हूं कि आपने किस पर विश्वास करना है, किसके साथ चलना है, किसके वचन को पूरा करना है, किसकी बातों को समझना है। ये नहीं मैं कहता कि मुझ में बड़ी शक्ति है जी, क्या है मुझ में, जब पत्रस और यूहन्ना ने एक जमंदरू लंगड़े को अच्छा किया ना, तो बाइबल में लिखा लोग हैरान हो गए, जैसे आज भी है। हा? आज अगर यहां पे कोई ऐसी चंगाई होती है तो लोग सबका मन परमेश्वर पर नहीं मुझ पर लग जाएगा। हा? और मनुष्य पर मन लगाना बाइबल में लिखा शरापित है, शरापित, समझ आ रही है, आपका तुरंत आपका मन किस पर होना चाहिए, क्योंकि किसने यह काम किया। आज ऐसा नहीं है, आज कलीसियाओं में आज क्रिश्चियनिटी में यह चीज नहीं है, बोलो क्या यह चीज नहीं है,
अगर कोई काम कर रहा है तो कौन कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। जब पतरस हुन्ना ने एक जमांदरू लंगड़े को अच्छा किया ना, तो लोग हैरान हो गए, हाँ कैसे हो गए। उन्होंने कहा हमारी भक्ति हमारी शक्ति से नहीं, ये यीशु नासरी के नाम से चंगा है। आमेन। ये किसके नाम से चंगा हो गया? यीशु नासरी के नाम से चंगा। उन्होंने सही लोगों को बताया, सही ट्रैक दिया, सही दिशा दी। अगर वो भी उस समय ये कहते हमने किया, ऐसे कैसे हमने किया चंगा। हां जी, तो ये सानू संबंध है मछियां पढ़ने वाले हैं आई एवं जे बंदे हैं, देखिया ना हूं कैसे ऐसे। अगर कोई ऐसा बंदा होगा क्योंकि है तो वो भी मनुष्य थे ना, अगर किसकी किसी के साथ कोई ऐसी कोई बात लाट डाट या कुछ ऐसी है तो मुझे और दस समझ। तो ऐसा नहीं, उन्होंने सही दिशा दिखाई। उन्हें किसने चंगा किया, बोलो किसने चंगा किया, हा? कौन करता है सब काम, पर कैसे करेगा? जब लोग उसकी बात को समझेंगे, सीखेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने लिखा नगर नगर गांव गांव परमेश्वर की खुशखबरी का प्रचार किया, उन्हें बताया, उन्हें सिखाया, समझाया। क्या सिखाया? सिखाया और समझाया। क्या सिखाया? सिखाया और समझाया। जैसे एज़रा ने भी बोलो क्या है, इसराइलियों को, बचे हुए यहूदियों को जब परमेश्वर द्वारा दी गई पुराने नियम की व्यवस्था जो उसने अपने दास मूसा को दी थी, क्या दी थी, तो उस समय की व्यवस्था लोगों ने मानी नहीं। बोलो क्या है, उस समय की व्यवस्था जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा दी थी, क्योंकि तब यीशु मसीह का क्रूसीफाइव नहीं हुआ था, तब पृथ्वी पर पाप था, क्या था, और परमेश्वर ने अपने लोगों को उन नियम, सुनो ध्यान से सुनो, अभी भी कई लोगों का पता नहीं ध्यान कहाँ है। इसलिए क्यों लोग सबके सब अच्छे नहीं हो पाते, क्यों वो डिलीवर नहीं हो पाते, क्यों आशीष नहीं होते, क्योंकि सबका ध्यान उसकी बातों पर नहीं। क्या नहीं है, अभी अभी सुनो, ध्यान से सुनो, देखो ये यहां पे लिखा नहमिया की पुस्तक, सब हम नहमिया की पुस्तक निकालेंगे, पंजाबी में भी नहमिया बोलते हैं, नहमिया उसका चार अध्याय नहीं सॉरी आठ 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 की चार से पढ़ेंगे। लिखा एज़रा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया। उसकी दाइनी और मत्तीजा, शोमा, अननिया, ओरिजा, हिलिकियाजा और मासेया और भाई और पदाजा, मिशाइल, कुछ ऐसे नाम थे, खड़े हुए। तब एज़रा ने जो सब लोगों सबको मिल गया, सुनो सुनो, मैं चाहता हूं कि आज जितने लोग यहां पे हैं, अगर आपको जल्दी से बाइबल से कोई वचन नहीं मिल रहा तो आप नोट करो, क्योंकि सुनना आपके लिए ज्यादा लाभदायक है। क्या है, वचन को घर जाकर भी आप पढ़ सकते हो, पर नोट करो। क्या करो, मैंने बताया नहमिया की पुस्तक उसकी आठ की चार से, अभी पांच में लिखा, तब एज़रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबको देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया, आमीन। अभी कितनी रिस्पेक्ट दी, कितना आदर किसके वचन को दिया, क्योंकि एज़रा किसका वचन लेकर खड़ा हुआ, और लोगों ने देखो परमेश्वर के वचन की कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज्जत की।
लिखा जब ऊंचे मचान पर वो खड़ा हुआ तो सब लोग उठ खड़े हुए, किसकी बातों को सुनने के लिए? देखो उठ खड़े हुए मतलब उसकी रिस्पेक्ट की, आदर किया। अभी अभी लोग जो देखो 11 बजे आएंगे 12 बजे आएंगे वो कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। अभी मैंने कहा अभी आप बाइबल में ना जाओ, आज नोट करते जाओ, किसी ने आज अपनी बाइबल नहीं देखनी, क्योंकि बाइबल को देखने की वजह से आप वचन की बातों को भूल जाते हैं। ये वचन घर में भी जाकर पढ़ लेना, आज कोई बाइबल नहीं निकालेगा, सिर्फ जो मैं वचन बता रहा हूं अपनी डायरी में नोट करो बस। तो जो 11 बजे 12 बजे आकर वो चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगियाई दे, छुटकारा दे, मेरे जीवन में ये काम करे वो करे, तो कैसे होगा बोलो, कैसे होगा? क्योंकि उनकी तैयारी देखो, तैयारी बोलो क्या, उनकी तैयारी देखो तैयारी। मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी को बता रहा था कि अगर किसी ने दुनिया में किसी ने अपने जीवन के लिए कुछ जो उसे चाहिए, जैसे लोग अपने काम के लिए, हाँ जैसे आप भी परमेश्वर के पास आए हो अपने जीवन को अच्छे के लिए, चंगियाई के लिए, आपको कुछ चाहिए, किसी को बेबी चाहिए, किसी को घर चाहिए, हाँ किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, हाँ चाहिए तो सब कुछ, चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो सब आए। पर जब तक सब लोग सब उसकी बातों को नहीं समझेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? समझ आ रही है क्या है, कैसे होगा? तो अभी मैं थोड़े दिन पहले बता रहा था किसी को कि लोग जब अपने जीवन के किसी काम के लिए, जैसे लोग पंडित के पास जाते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं कि हमारा क्या जी ये काम कर दो, और पंडित जी बाबा जी जो बात बताते हैं वो लोग करते हैं, वो अगर कहे ना 4 बजे उठकर ये काम करना 5 बजे, देखो कैसे ये उठते हैं, अगर वो बोले ना 4 बजे 5 बजे ये उठकर ये करना है, 4 बजे ये करना, फिर 5 बजे, फिर 7 बजे, फिर 12 बजे, 8 बजे अपने काले कुत्ते को रोटी डालनी है तेल में ऐसे मुंह देखकर, 12 बजे कौओं को खिलाना, 3 बजे यह काम करना, और रात को इतने बजे यह करना है। हाँ लोग चौक में नहाते हैं ना, नहाते हैं ना चौक में, आपने देखा ना लोग चौक में नहाते हैं ताकि हमारा काम हो जाए, वो सुबह सुबह जब लोग सोए हुए होते हैं, क्या होते हैं लोग जब सोए हुए होते हैं तब वो अपना काम, वो अपनी उस चीज को पाने के लिए देखो कितनी मेहनत से करते हैं। हाँ और आप देखो, आप देखो करते कि नहीं करते, क्या करते हैं? क्योंकि उन्हें जो एक स्याणा एक बाबा उसकी बातें समझ आती है कि वो क्या कह रहा है, पर जिस परमेश्वर इंसान है, हाँ नहीं वो एक पंडित से एक जो स्याणा बाबा उससे थोड़ा सा छोटा है इसलिए नहीं आपके काम हो रहे। क्या है वो एक पंडित से एक स्याणे बाबे से थोड़ा छोटा है ना परमेश्वर इसलिए नहीं हो रहे, हाँ क्योंकि लोगों को पंडित की एक स्याणे बाबे की समझ आती, वो जो कहता है वो लोग करते हैं, हाँ इसलिए वो किसके किसकी चीज से करते हैं, और जिसकी चीज से वो करते हैं लोग करते हैं तो वो हो जाता है। हाँ जैसे लोग दुष्ट आत्मा के आगे बलिदान चढ़ाते हैं तो लोग क्या उनके काम नहीं होते, हो जाते हैं, समझते हो? पर उसकी बात को समझकर करते हैं लोग, क्या करते हैं, पर परमेश्वर की बात को ना वो सीखते हैं ना समझते हैं ना उसकी बात को मानते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाँ बाबा जी कुछ भी बोले वो करते हैं, हाँ ऐसे करो जी ये करो वो करो, कितने ध्यान से करते हैं, हाँ जैसे डॉक्टर जब किसी को मेडिसिन देता है, हाँ ऐसे देता है ये सुबह खानी है, ये खाली पेट खानी है, हाँ ये दोपहर को खानी है, हाँ ये रोटी से पहले खानी है, ये बाद खानी है, कितना ध्यान रखते हैं, है? कितना ध्यान रखते हैं डॉक्टर की बात का, लोग कितना ध्यान रखते हैं, कैसे उस मेडिसिन को कैसे ध्यान से खाते हैं, कभी नहीं भूलते, खाली पेट सुबह खानी है, हा? रोटी के बाद एक गोली खानी है, ये करना है वो करना है, क्योंकि वो चीज उन्हें समझ आती है। पर जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो इस दुनिया को बनाने वाला, उसकी बातें आपको समझ नहीं आता।
इसीलिए लोगों के काम भी नहीं होते। डॉक्टर की बात आती हो तो वो खाते हैं, पर गोली से क्या होगा? जीवन मिलेगा? गोली से जीवन मिलेगा? कितने लोगों ने अपनी गवाहियां दी कि हम इतने समय से क्या कर रहे थे? दी कि नहीं दे लोगों ने? दी ना गवाहियां कि हम इतने समय से मैं मेडिसिन खा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, बहुत कुछ किया, दो बार ऑपरेशन कर लिया, तीन बार ऑपरेशन कर लिया, दो साल से चार साल से इतनी मेडिसिन, कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा, उससे भला नहीं होगा, पर किसकी बात को समझने से भला होगा? बोलो, किसकी बात को समझने से भला होगा? पर उसकी बातों को समझने के लिए ना तो लोग आते हैं उसके पास, क्या आते हैं? टाइम लगा कुछ लोगों का तो आगे, नहीं लगा तो ना सही। किसी का अगर किसी का काम हो गया तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं तो मन खराब। बोलो, अगर किसी का काम हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो मन खराब। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसे नहीं समझा। पहले क्या है, उन्होंने नहीं समझा। अपने मरकुस 9 में पढ़ा है ना, यीशु मसीह के पास एक बंदा अपने बेटे को लेकर आया, जिसे लिखा मिर्की की दुष्ट आत्मा थी, ऐसे मिर्गी के दौरे वाली। हाँ, क्या थी वो? उसके पास लेकर आया चर्चा सुनकर, जैसे आज भी लोग चर्चा सुनकर आते हैं यीशु मसीह के पास, तो वो भी आया। क्या आया? तो तब यीशु मसीह उसे मिले नहीं, उसके चेले मिले। क्या मिले? तो वो दुष्ट आत्मा जो उसके बच्चे में मिर्गी के दौरे की थी, तो चेलों ने ऐसे आज्ञा की कि निकल जा, तो वो नहीं गई। उसकी हालत उस बच्चे की, उस दुष्ट आत्मा ने और भी खराब की। क्या की? उसकी हालत और भी खराब की। तब भीड़ लग गई, यीशु मसीह आ गए। उस बंदे ने कहा, देख, मैं अपने बेटे को तेरे पास लेकर आया तो तेरे चेले चंगा ना कर पाए। क्या ना पाए? मेरे बेटे को अच्छा। समझ आ रही है कि तेरे चेले मेरे बच्चे को अच्छा ना कर सके। उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्या रहूंगा? कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? उसने कहा, अपने बच्चे को लेकर आ। अभी सुनना, नियम क्या है परमेश्वर का। उसने कहा, अपने बेटे को मेरे पास लेकर आ। और लिखा, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामने भी उस बच्चे की बुरा हाल कर रही। अभी यीशु मसीह के सामने भी, पास्टर सेविक जी, प्रॉफिट जी, अपोस्टल जी एक अलग है, यीशु मसीह की बात करना, उसके सामने भी दुष्ट आत्मा उस बच्चे का बुरा हाल कर रही है। और यीशु मसीह ने आत्मा में ऐसे देखा। अभी भी देखो कई लोग कैसे बुद्धि, अभी भी कई, कई आया नहीं और देख रही हो कर ली। कैसी बुद्धि है लोगों के पास? विजडम, पावर, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, जिसके पास समझ है, बुद्धि है, हो पाएंगे। समझ दें, क्योंकि समझने से किसकी पावर, किसकी शक्ति हमारे अंदर आती है, किसकी बात समझने से। समझ आ रही है? तो यीशु मसीह के सामने भी वो क्या कर रहे हैं? वो बच्चे का बुरा हाल कर रही है दुष्ट आत्मा। क्योंकि परमेश्वर नियम का परमेश्वर है, आज्ञाओं का परमेश्वर, नियम के बाहर कुछ भी करता। आपको पता, हबकूक नाम के नबी ने परमेश्वर से कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी। क्या की थी? कंप्लेंट, शिकायत की के देख परमेश्वर, दुष्ट तेरे लोगों को निगर रहा, मार रहा, और तू चुप करके बैठा है। उसने कहा, नहीं, मैं अपने पैरे के घुम्मट पर त्यार बर त्यार हूं, कौन उस मन से आए तो क्या करूं मैं, उसके जीवन में काम करूं, क्योंकि नियम का परमेश्वर क्या है। इसीलिए उस दुष्ट आत्मा जो बच्चे को त्रोड़ मरोड़ रही थी यीशु मसीह के सामने, तो यीशु मसीह ने फिर उससे पूछा, हा? ये इसे कब से? उसने कहा, बचपन से। दुष्ट आत्मा इसे कभी आग में, कभी पानी में, कभी ऐसे गिराता है। तो तब यीशु मसीह उसे किसका ज्ञान देने लगे, किसकी बातें सिखाने लगे, किसके राज्य की बातें सिखाने लगे, किसके राज्य की बातें सिखाने लगे? ध्यान से सुनो,
किसके राज्य की बात है, किसके बारे में, तो सिखाने लगे। और जैसे जैसे वो बता रहे तो टाइम लग रहा था, क्या लग रहा था, टाइम, टाइम लग रहा था। तो उसने उस बंदे ने शरीर से सोचा, इसलिए बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझेंगे। जो शरीर में उसको समझ नहीं आएगी उसके ज्ञान की। दाऊद क्यों कहता मैं उसके वचन को पाकर खुश हूं, क्योंकि उसे समझ आ गई उसकी बात की, उसके वचन की समझ आ गई, इसलिए वो खुश था, आनंद था। क्या था आपको पता, दाऊद ने 60 लड़ाइयां लिखी, एक भी नहीं हारी, क्योंकि उसको समझ आ गई उसकी बात। आपको एक चीज चाहिए, आपको बेबी चाहिए, आपको घर चाहिए, ये चाहिए, आप एक चीज के लिए ऊपर नीचे हो जाते हो, पता नहीं किधर किधर क्या पूठे सीधे हो जाते हो, फिर भी बात बनती नहीं। ऐसे ही जब यीशु मसीह ने उसको टीच किया, सिखाया, तो ये उस बंदे ने शरीर से सोचा, ये तो बातें करता जा रहा है, बस गल्ला ही करी जा रहा, गल्ला ही करी जा रहा है। उसने आगे से यीशु मसीह को कहा, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर, अगर कुछ कर सकता है तो कुछ कर। यीशु मसीह ने कहा, ये तू मुझे क्या कहता है, ये तू मुझे क्या कहता है, ये तू मुझे क्या कहता है। उसने कहा ये गल्ला ही करी, अंधा गल्ला ही बातें करी जा रहे, बस जो कुछ कर सकता है तो कर। यीशु मसीह ने आगे से कहा, तू ये मुझे क्या कहता है। तो उसने एक शब्द कहा, विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है, कुछ कुछ, कुछ कुछ, कुछ कुछ क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ऊंचा तारीफ करो, ऊंचा तारीफ करो, क्योंकि जो उस पर विश्वास करेंगे वो कभी, बाइबल में लिखा, लज्जावान ना होंगे। क्या ना होंगे, लज्जावान ना होंगे, शर्मिंदे ना होंगे जो उस पर विश्वास करेंगे। उसने कहा, ये तू क्या कहता है मुझे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप क्या विश्वास करते हैं, आप क्या विश्वास करते हो? लोग कहते हैं विश्वास करते हैं जी, ताई ते आए हैं। कौन सा विश्वास करते हैं, कैसा विश्वास करते हैं? क्योंकि परमेश्वर किस कैसे विश्वास से, किस मन से काम करता है। देखो, दुष्ट आत्मा उसके सामने भी यीशु मसीह के उसके बेटे का क्या करे, बुरा। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे, उसकी बातों के बारे सिखाया और समझाया, फिर उसे समझ आई और लिखा, फिर उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, मेरे अविश्वास का उपाय करो, मेरे अविश्वास का क्या करो, उपाय करो, उपाय, क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास नहीं, मेरे अविश्वास का। जब तक आपका पूर्ण भरोसा किस पर ना होगा, जब तक किसी का पूर्ण भरोसा किस पर ना होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने कहा, तब तक बात नहीं बनेगी, कहीं भी चल जाओ। अगर कोई आया है, हाँ, जब कोई दूसरी जगह से आता है तो उसे सबसे पहले मैं यही चीज सिखाता हूं। अगर कोई यहां से जा रहा है कि ये चीजें मैं जो सिखाता हूं, हाँ, इस मिनिस्ट्री का जो काम है, लोगों को सिखाना, किसके साथ मिलाना, किसके साथ मिलाना, किसकी बातों को समझाना, किस पर भरोसा करना, हाँ, किस पर भरोसा करना। उसने क्यों कहा, मत डर, मैं क्यों तुम्हारे, तो साथ नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कोई मेरे साथ है, बोलो नहीं विश्वास है कोई मेरे साथ है। वो यहां पे भी, आपके रास्ते में भी, आपके घर में भी, बोलो क्या है, बोलो क्या है, आपके घर में नहीं है तो फिर डर किस चीज का है।